हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वी हैव स्टडीड, जो हम उसकी स्टडी करेंगे, हिस्ट्री क्या है, वर्जन, प्रिंट स्टेटमेंट, कीवर्ड्स, डेटा टाइप, कमेंट ऑपरेटर, लूपिंग, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, अरे। जो इसको डेवलप करने वाले पर्सन थे वो गिडो वॉन रोसम थे, नीदरलैंड के। इन्होंने काफ़ी डेप्थ में डेवलप लैंग्वेज ये डेवलप करी और इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स अवेलेबल है। ये उस पर्सन का फोटो है कि वर्जन्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वर्जन 94 में आया था, 1.6 2000 में, 2000 में, फिर 2.7, 3.0, 3.5, 3.6, 3.7 भी अवेलेबल है, बट मैं उसका ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। और इनको यूज़ करने वाले जो हैं वो गूगल, फिलिप्स, कोरा, नासा, डिज्नी फीचर, इंस्टाग्राम, ये सब लोग उसको यूज़ करते हैं। दिस इज द वी कैन से शॉर्ट समरी ऑफ पाइथन। इट इज अ जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लेवल लैंग्वेज, डेवलप्ड इन 1991, फुली डेवलप्ड इन 1991, बट गुड ओवर ऑसम हैव स्टार्टेड डेवलपमेंट 1980s। मेनली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्गोल, एबीसी, मॉडुला 3। It is open source scripting language. One important thing is that open source, that means you can see that is coding. And one important thing is that it is a case sensitive language. The meaning case sensitive language, it is always differ uppercase and lowercase. Mainly we have written in lowercase. And one most important thing, this language is using by Google, and right now you know it, Google is a very popular search engine. Now next is characteristics. It is interpreted language. Basically Python source code is compiled to bytecode as PYC. Actually there are two extension of Python. When you are creating any Python program, two extension means, just like for example our name and surname. For example, my name is Nilesh and surname is Jain. So same thing, file name and extension is there. Extension always use either two character or three character. So you can use it .py or .pyc. It is interactive language, object oriented programming language. It is very easy and simple, portable, scalable. It provides improved structure for supporting large program, integrated, expressive language. One important thing, these all features are available. Like interactive means we can interaction is easy in Python language. Basically it is very simplified approach and simple language. Portable, that means you can operate anywhere, anytime. Scalable, it provides main structure. Then we are talking of Python interpreter. Name of the some Python interpreter means Python you have to install it. How to install it? Python 3.7 or 3.6, you can search it, you can download it from Python website. And you can download Python IDLE. IDLE means Integrated Development Learning Environment. Remember this thing, Python IDLE means Python Integrated Development Learning Environment. Another interpreter, PyCom, PyGUI, n number of interpreter also available. Even you can use it also IPython also. So
देर आर टू मोड्स टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर. वेन यू इंस्टॉल पाइथन, जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लोगे तो देर आर टू इंटरप्रेटर मोड्स आर देयर, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड. टू मोड्स आर देयर, यू कैन इंस्टॉल इट. नाउ व्हाट इज इंटरेक्टिव मोड? और इंटरेक्टिव मोड मीन्स विदाउट पासिंग पाइथन स्क्रिप्ट फाइल टू इंटरप्रेट डायरेक्टली एग्जीक्यूट टू कोड. मतलब आप एग्जीक्यूट डायरेक्ट कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो. अब इसमें आपने ये बताया ये इंटरेक्टिव मोड है. एग्जाम्पल 3 > 6 + 3 आउटपुट 9. ये इसमें पाइथन की स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन स्क्रिप्ट इंटरेक्टिव मोड की, मतलब डॉ स्पेस स्क्रीन रहेगी ब्लैक कलर की. ये एक इंटरेक्टिव मोड है. नोट इसे > इसे कमांड द पाइथन इंटरप्रेटर यूज टू इंडिकेट दैट इज रेडी. द इंटरेक्टिव मोड इज बेटर देन व्हेन ए प्रोग्राम डील विद स्मॉल पीस ऑफ कोड. टू रन पाइथन फाइल ऑन कमांड लाइन, ये पाइथन कमांड लाइन पर अगर कोई रन करना हो तो उसके लिए कोड है. अब मैं आपको इंटरेक्टिव कोड, आप नॉर्मली आप पाइथन लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे इसमें पाइथन इंस्टॉल है, सो हाउ टू यूज इट. ये पाइथन आइडियली और ये पाइथन 3.7. जैसे ही आप इस पर इंटर क्लिक करोगे आपको ये वाली स्क्रीन आ जाएगी. जैसे वहाँ पे दिया हुआ है ना 7 + 8, ये देंगे तो 15 विल बी द आउटपुट. तो दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड. इंटरेक्टिव मोड में ये कमांड लाइन और इंटर मोड है, और एक आपका ये वाला मोड भी होता है, इस पर भी आप वही कर सकते हो. ये शेल मोड है जिसको बोल सकते हैं. ये 3 + 4, यहाँ भी आपका आउटपुट वही आएगा 7. तो ये दोनों मोड आपके पास अवेलेबल है, दोनों मेरे इसमें इंस्टॉल है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया. अब आगे देखते हैं. नाउ वी कैन सी नेक्स्ट स्क्रिप्ट मोड. इन दिस मोड सोर्स कोड इज स्टोर्ड इन अ फाइल विद .py एक्सटेंशन. मैंने आपको ऊपर ही बताया था ये कि .py और .pyc, ये .pyc to bytecode to .pyc file, this code can be interpreted by you have to tell the interpreter the name of the file. If your file name demo.py, to run execute script you have to following steps. Open the text editor. Notepad पे अगर आपको type करना हो, वैसे simplest approach अगर आप use करना चाहो तो सबसे बढ़िया मैं approach है जो इसको मैं use कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ. ये आप जैसे interactive mode में आप आए, आप फाइल में जाके न्यू करो. न्यू करने के बाद आप फाइल टाइप करो. जैसे मैं फर्स्ट प्रोग्राम टाइप कर रहा हूं, ये आपने लिया हैश से आप प्रोग्राम, ये कमेंट है प्रोग्राम फॉर डिस्प्ले. हेलो, ये हमने वो लिया. फिर मैं आपको दे रहा हूं ऐसे एक वेरिएबल लिया, इंटर योर नेम. इनपुट फंक्शन से इनपुट जाता है जो भी आप इनपुट दोगे, और प्रिंट फंक्शन से प्रिंट आ जाता है. दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम जिसमें हमने केवल इनपुट दिया है इनपुट फंक्शन से, एंड आउटपुट जो आया वो प्रिंट. तो प्रिंट फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट, इनपुट फंक्शन इज यूजिंग फॉर इनपुट. एंटर योर नेम मतलब ये स्ट्रिंग एज इट इज लिखेगा, और एस में वैल्यू जाएगी, जो भी एस में वैल्यू जाएगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी. मान लो मैं इसको रन कर रहा हूँ. अब मैंने फास्ट प्रोग्राम बनाया, फास्ट .py एक्सटेंशन मैंने लिया. आप नहीं भी देंगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा. नाउ दिस इज द सिंपल प्रोग्राम. अब मैं रन करूँगा. ये मैंने प्रोग्राम बनाया, स्क्रिप्ट मोड में बनाया. सबसे ऊपर मैंने कमेंट दी, फिर इनपुट फंक्शन से इनपुट लिया. इनपुट इज द फंक्शन विच यू आर टेकिंग इनपुट, और प्रिंट से प्रिंट आ गया. मैंने इसको फाइल को सेव करा और मैंने रन करा डायरेक्ट इंटरप्रेटमेंट में. रन मॉड्यूल लिखा, F5P आप कर सकते हो. जैसे रन मॉड्यूल लिखा, यहाँ पे पूछा उसने नेम, मैंने मेरे ही नाम लिख के दे दिया, तो वो एज इट इज प्रिंट कर दिया उसने. तो ये जो नीलेजन ये लिखा है, ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट आया.
प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करा और यहाँ पे इंटर योर नेम लिखा था आपने, ये इनपुट फंक्शन में इनपुट हुआ और ये प्रिंट से डिस्प्ले हुआ। ये सिंपल प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम विच यू सीन हियर। अब मिनिमाइज करता हूं मैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम। जो सिंपल प्रोग्राम मुझे बताना था कैसे करा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप इसमें गए, फाइल में जाके न्यू करा, नई फाइल बनाई, नई फाइल में पहले अपने हेडिंग वो दी, कमेंट दी, कमेंट देने के बाद आपने इनपुट फंक्शन दिया, इनपुट फंक्शन से इनपुट देते हैं, प्रिंट फंक्शन से आपका आउटपुट आता है और ये दोनों चीजें डिस्प्ले करते हैं। नाउ इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, ए सिंपल प्रोग्राम आई हैव क्रिएटेड और उसका मैंने आपको आउटपुट भी बता दिया। इन्होंने ये हेलो वर्ल्ड लेके काम करा GUI पे, जो कि अभी अपन ने देखा। अब इसमें एक और चीज है, ये एग्जीक्यूशन मोड बता रखा है, इंटरेक्टिव मोड जो अपन ने डिस्कस करा वो 3.2 में। ये इंटरेक्टिव मोड, इंटरेक्टिव मोड दो तरह से आते हैं, एक कमांड लाइन से आते हैं जो मैंने आपको बताया, ये कमांड लाइन से और ये आपका दूसरे उससे, ये दोनों उससे मैंने आपको इंटरेक्टिव मोड बता दिए। स्क्रिप्ट मोड मैंने अभी बताया, फाइल में नई फाइल बनाई, नई फाइल में अपने जैसे ये कोड लिखा सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर, खाली प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, इसको भी अपन करके देख लेते हैं। सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर, फाइल में गए, नया प्रोग्राम बनाया और केवल लिखा प्रिंट सेव अर्थ और वहां लिखा फिर प्रिंट प्रिजर्व फ्यूचर। अब इस फाइल को सेव करा, सेव करेंगे तो हम नाम देंगे, नाम मैंने दे दिया सिंपल डॉट पी वाई एक्सटेंशन, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, F5 से रन करेंगे, ये आ गया सेव अर्थ और प्रिजर्व, ये ऐसे लिखा था सेव अर्थ प्रिजर्व फ्यूचर। ये आ गया प्रॉपरली लिखा हुआ गया। आगे बढ़े, हमने बता दिया रन मॉड्यूल करके। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात आ रही है, पाइथन कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के पहले हम और एक चीज आती है जिसको बोला जाता है कैरेक्टर सेट, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज होंगे। तो पाइथन में जो कैरेक्टर्स यूज होंगे वो कैपिटल ए टू सेट, सिंपल ए टू सेट, डिजिट 0 to 9, स्पेशल सिंबल वाइट स्पेस। वाइट स्पेस बेसिकली जो ब्रैकेट्स ब्रेसेस आपके यूज होते हैं जहाँ स्पेस दी जाती है वो वाइट स्पेस कहलाती है, इस चीज को ध्यान रखने वाली बात। और कैरेक्टर सेट का मतलब यही है कि वेरिएबल आप लोगे तो वेरिएबल में नाम कौन कौन सा देंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम, कैरेक्टर सेट के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टोकन्स। टोकन्स क्या कहलाते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट का मतलब है छोटी छोटी यूनिट जो कहलाती है प्रोग्राम की वो टोकन कहलाती है। 5 तरह के टोकन होते हैं, कीवर्ड है, ऑपरेटर है, आइडेंटिफायर या वेरिएबल है, लिटरल है और पंक्चुएटर है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, ऑपरेटर है और पंक्चुएटर है।
तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड किसी भी लैंग्वेज में दिए हुए रहते हैं। हर लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कीवर्ड होते हैं और उस कीवर्ड को यूज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली पाइथन में 33 कीवर्ड्स यूज होते हैं, ये आपके उसमें दिए हुए हैं। शायद एक बार आप निगाह डालोगे तो आपको समझ में आएगा। कीवर्ड ही रिजर्व वर्ड होते हैं, और रिजर्व वर्ड या कीवर्ड वो होते हैं जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में दिए हुए तो और उनका कुछ मीनिंग होता है। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर रिजर्व इन एनी लैंग्वेज, दे हैव अ स्पेशल मीनिंग, इसका स्पेशल मीनिंग होता है, और ये एज ए वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टेक एज ए वेरिएबल, इनको आप वेरिएबल नहीं ले सकते हो। और कुछ कुछ कैरेक्टर्स इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली बात है कि 33 कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड को ऐसे वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। और यहाँ लिस्ट दी हुई है, एक बार उसको आप गो थ्रू कर लो। फॉल्स है, क्लास है, फाइनली, मतलब ये रिजर्व वर्ड ही है, मतलब ये रिजर्व है, इनका स्पेसिफिक मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि ये आप एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते हो, नंबर वन, और नंबर टू इनका स्पेसिफिक मीनिंग है, तो उसका उसकी चीज़ ही अलग होगी। जैसे फॉल्स, ट्रू, नन, कंटिन्यू, फॉर लूप है, फ्रॉम ट्रू, ट्रू बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, डी से फंक्शन डिफाइन करते हैं, एंड डी एल ग्लोबल नॉट विथ रेस एस एल इफ इफ और यील्ड ऐसा टेल्स इम्पोर्ट पास। ये 33 कीवर्ड मैंने बताए हैं। ये यूज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, मेरे ख्याल से इसमें क्लियर हो गया होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बताते हैं, ऑल द कीवर्ड्स आर इन लोअर केस एक्सेप्ट थ्री, तीन कीवर्ड है, ट्रू फॉल्स और नन। इसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल आया, पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल आया। आइडेंटिफायर और वेरिएबल का मीनिंग एक ही होता है। वेरिएबल का मीनिंग वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो द नेम गिवन बाय द यूजर टू द एंटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आर दोज नेम व्हिच कैन चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इस बात को आप लिख लेना कि वेरिएबल का नाम वो होता है जिससे हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। The name given by the user to the entities like variable name, class name, function name. अब इसमें identifier भी वही होता है, जैसे कोई variable का नाम है तो वो identifier उस variable हो सकता है। कोई constant define करा तो वो भी identifier हो सकता है। कोई class का नाम define करा तो वो भी identifier हो सकता है। किसी function का नाम define करा तो वो भी identifier हो सकता है। ये चीज बताई गई है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के कुछ रूल है, जो रूल आइडेंटिफायर के रहेंगे वही आपके रूल्स नेम के रहेंगे, वेरिएबल के रहेंगे, या वेरिएबल नेम बोल सकते हैं उसके रहेंगे। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर जीरो टू, मतलब आप स्मॉल लेटर और अपर लेटर दोनों यूज कर सकते हो, ए टू जेड, और जीरो टू नाइन आप डिजिट भी यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। ये ध्यान रखना है कि जैसे मेरे को वेरिएबल नाम देना है, मेरे ही नाम दिया, एनआई दिया मैंने, एनआई वेरिएबल का नाम दिया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ नाइन एनआई या फाइव एनआई। हम एनआई फाइव कर सकते हैं, एनआई नाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर। अब कीवर्ड मैंने अभी आपको बताया, जो कीवर्ड आपके रहते हैं वो आइडेंटिफायर एज आइडेंटिफायर यूज नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका स्पेशल मीनिंग है। तो ये समझने वाली बात। फिर आगे है, वी कैन यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक एट द रेट हैश एम परसेंट प्लस इटीसी इन आइडेंटिफायर।
इन स्पेशल सिंबल्स को यूज करेंगे अगर हम, तो इसका मतलब हम वो आइडेंटिफायर यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब हमने उन्होंने साफ बोला वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल, हम ये सिंबल यूज नहीं कर पाएंगे उस आइडेंटिफायर में। अंडरस्कोर अलाउड है, जैसे ए अंडरस्कोर बी लिखेंगे तो वो अलाउड है। कॉमास और ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड, जैसे ए स्पेस बी लिख दिया तो वो अलाउड नहीं। जैसे मुझे बोला आपने कि वेरिएबल बनाओ, ए की सिंगल वेरिएबल, तो नीलेश अंडरस्कोर जैन बना दिया मैंने एक सिंगल वेरिएबल नाम का, या ए अंडरस्कोर बी बना दिया, ए की वेरिएबल है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा ए कॉमा बी तो वो दो वेरिएबल है, कॉमा से सेपरेट हो जाता है वो चीज़ है। तो ये आइडेंटिफायर हुआ। आई होप कि मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बाय द वे आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको क्लियर नहीं है। प्रीति अरोरा के आप बुक यूज़ कर सकते हैं। लिटरल्स, लिटरल्स वो होते हैं वेरिएबल, वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। लिटरल भी वही होते हैं, लिटरल और कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता एक ही होता है। लिटरल्स आर कॉन्स्टेंट वैल्यू, लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज ए डेटा दैट इज गिवन इन वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। ये लिस्ट दी, तो आप ध्यान से देखो उसको, गो थ्रू करो एक दो मिनट। हाँ, ये न्यूमेरिक में तीन होते हैं, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स। ये लिटरल मतलब कॉन्स्टेंट, इसी टाइप के वेरिएबल की वैल्यू यूज होती है। बुलियन में ट्रू फॉल्स आता है, स्पेशल में नन आता है, लिटरल में कुछ दे नहीं रखा ऐसा। बुलियन में दो चीज, दो वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स, और स्पेशल में नन आता है। फिर न्यूमेरिक लिटरल्स बता रखा 5, 6, 7, 6.9। पहला ये इंटीजर दे रखा है, दूसरा फ्लोट दे रखा है, तीसरा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, और म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब है, म्यूटेबल मतलब चेंजेस होते हैं और इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होना। अब स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रिंग लिटरल्स कैन बी फाउंड बाय इंक्लोजिंग ए टेक्स्ट इन द कोट्स, वी कैन यूज बोथ सिंगल एज वेल एज डबल कोट्स। तो इन स्ट्रिंग लिटरल्स में एस्केप सीक्वेंस दे रखी, एस्केप सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसके थ्रू कोई भी कैरेक्टर डिस्प्ले होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपको बैक स्लैश प्रिंट कराना, तो एक स्लैश तो उसका एस्केप का लगेगा और एक स्लैश आप जो लगाओगे वो प्रिंट करेगा, मतलब इससे बैक स्पेस जाएगी, मतलब एक कैरेक्टर आगे जाएगा। किसी भी जगह सिंगल कोट्स लगाना तो स्लैश सिंगल कोट्स लगा दो, आप स्लैश डबल कोट्स लगा दो, स्लैश यहाँ पर आस्की बेल दे रखा, बेल अलर्ट हो जाएगा, आवाज़ आएगी बेल की। आस्की फॉर्म न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और टेक्स्ट वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना, आस्की फॉर्म। न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन और हॉरिजॉन्टल टैब स्लैश टी। ये सारे आपके वो दे रखे हैं एस्केप सीक्वेंस, आप एक बार और थोड़ा सा उसको गो थ्रू करें तो आपके समझ में आएगा। ये एस्केप सीक्वेंस है जो नॉर्मली स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर दे रखे हैं। एस्केप सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जो लिटरल एक फिक्स वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। आगे बात करें हम बुलियन लिटरल में दो वैल्यू आती है ट्रू और फॉल्स, स्पेशल लिटरल में नन वैल्यू आती है। नन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू दैट फील्ड नॉट क्रिएटेड, इज आल्सो यूज्ड फॉर द एंड ऑफ द लिस्ट। नन में एंड ऑफ लिस्ट बताता हूँ। लिटरल कलेक्शन, कलेक्शन में टपल लिस्ट डिक्शनरी ये यूज होती है। ये सारी नई टर्मिनोलॉजी है और आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। फिर सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम है, जैसे ये प्रोग्राम है उसमें प्रिंट करना है क्या करना है कैसे करना है।
राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर में ये हैश जो है ये इससे कमेंट जाती है टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर प्रिंट से फंक्शन ये दो वैल्यू इनपुट नहीं करी है हम इनपुट कर देते हैं नम वन इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट पास नंबर कंप्लीट फिर सेकंड नंबर रिजल्ट डिस्प्ले होगा इससे दो नंबर का सम आएगा दो नंबर हमको इनपुट करना पड़ेंगे रन करा मैं एक बार फिर बता देता हूँ इससे फर्स्ट नंबर है अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है ये डबल कोट्स में आपने लिखा इसके बाद हमने कन्वर्ट करा इंटीजर में फिर सेकंड नंबर लिखा हमने कन्वर्ट करा इंटीजर में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीजर इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी जैसे मैंने आप दिया 5 और 6 नंबर 5 आया नंबर 2 में 6 आया रिजल्ट में 11 आ जाएगा इसको प्रिंट करेंगे रन करेंगे रन मॉड्यूल इनपुट ये फर्स्ट नंबर इंटर फर्स्ट नंबर लिख देते हैं और फिर वहां पे इंटर सेकंड नंबर लिख देते हैं वो इनपुट उसमें कंबाइंड हो गया है ये इनपुट दिया ये रन करा फर्स्ट नंबर 12 35 to 44 नंबर आ गया आप चाहो तो इसमें ये भी मैसेज पास कर सकते हो द सम ऑफ टू नंबर इज दो नंबर का सम करा फिर रन करा 24 62 सम करा इज तो ये दो नंबर के सम का प्रोग्राम है मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मैं फिर बताया तो ये कमेंट है इससे इनपुट जाए इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्म में आता है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं इसकी वैल्यू नम वन में आई सेकंड ऐसे ही इनपुट लिया इसकी इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया इसकी वैल्यू नम टू में आई नम वन और नम टू की वैल्यू रिजल्ट में आ गई और रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया और फिर कंपाइल कर लिया और रन कर लिया ये एरिया फाइंड आउट करने का चाहो तो आप लिख लेना एरिया इसमें वैल्यू दे रहे कि लेंथ और ब्रेथ
और एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ और प्रिंट एरिया, इससे आउटपुट आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं इसमें। अब ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल को मेजर करने का तरीका होता है। डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा विच वी आर टेकिंग एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो उसको बोला जाता है डेटा टाइप। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आप कुछ लेते हैं किसी भी टाइप में तो डेटा टाइप बोला जाता है। अभी डेटा टाइप की लिस्ट दी हुई है, नंबर्स, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इसमें कुछ ने तो बुलियन पर बता दिया, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट्स, नन, मैपिंग, डिक्शनरीज, ये अलग अलग डेटा टाइप है पाइथन के। अब इसमें अब आगे बढ़ते हैं, इसमें डेटा टाइप में न्यूमेरिक डेटा टाइप है। न्यूमेरिक का मतलब इंटीजर वैल्यूज, आप जो भी ले रहे हैं वो इंटीजर वैल्यूज आएगी, फ्लोटिंग वैल्यूज आएगी। फ्लोट मतलब डेसिमल में वैल्यू लेना, जैसे -2.04, 4.0, 20, 14.25। कॉम्प्लेक्स वैल्यू थोड़ी बहुत रहती है, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आप करते हो ना तो एक्स और वाई की वैल्यू रहती है, यहाँ लिखा 3+4i, 2-2i। फिर कुछ बुलियन वैल्यू रहती है, बुलियन वैल्यू हमेशा ट्रू और फॉल्स को बताती है। बुलियन डेटा टाइप इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर, इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यू आती है। इन्होंने एक प्रोग्राम के फॉर्म में भी दिया है कि टाइप क्वांटिटी लिया, क्लास इंटीजर प्राइस इक्वल्स टू माइनस टाइप प्राइस, तो क्लास फ्लोट, तो ये बता देगा कि भैया कौन सी वैल्यू है। जैसे प्राइस ली तो प्राइस फ्लोट बता दी, इंटीजर ली क्वांटिटी तो इंटीजर बता दी। तो वेरिएबल ऑफ सिंपल डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, बुलियन सिंगल वैल्यू होल्ड करेगा। अब कुछ और टर्म है जो आपको मालूम होना चाहिए, ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें पाइथन में खासियत है, कोई भी कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं होता। अगर आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उसमें कर्ली ब्रेसेस होता है, तो पाइथन प्रोवाइड्स नो ब्रेसेस टू इंडिकेट ब्लॉक ऑफ कोड फॉर क्लास एंड फंक्शन और फ्लो कंट्रोल। मतलब इफ कंडीशन में, लूप में, किसी भी जगह कोई ब्रेसेस नहीं लगता। मैक्सिमम लाइन लेंथ शुड बी मैक्सिमम 79 कैरेक्टर्स। देखो कुल 80 कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें उन्होंने बोला कि 79 कैरेक्टर्स तक आप ले सकते हो। ब्लॉक ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडेंटेशन व्हिच इज रिजिडली इन्फोर्स्ड। लाइन इंडेंटेशन का मतलब होता है जगह छोड़ना। मान लो कोई एक, जैसे फॉर लूप के बाद, इफ कंडीशन के बाद इसमें लाइन छोड़ जाती तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं छोड़ना, वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा जैसे आप इंटर प्रेस करोगे, तो उसको बोला जाता है इंडेंटेशन। नंबर ऑफ स्पेस इन द इंडेंटेशन इज वेरिएबल बट ऑल द स्टेटमेंट विद इन ब्लॉक मस्ट बी इंप्लीमेंट द सेम। जैसे ये लिखा है, ये कॉलन के बाद आप लगाओगे तो अपने आप इंडेंटेशन छोड़ के यहाँ पे आएगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन लेता है। फिर स्टेटमेंट, ब्लॉक का मतलब होता है एक एरिया। स्टेटमेंट ए लाइन है विच हैज द इंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट होता है स्टेट ए लाइन विच हैज द इंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेशन। फिर आती बात एक्सप्रेशन की, लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल वैल्यू दैट प्रोड्यूस रिजल्ट। एक्सप्रेशन लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स वैल्यूज दैट प्रोड्यूस रिजल्ट।
अब कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स जैसे एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई प्लस टू, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, और जैसे ये खत्म करके नेक्स्ट लाइन पे आया तो ये पूरा स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट जो बनता है ना वो एक्सप्रेशन से बनता है। लास्ट में दे रखा है कमेंट, कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कमेंट मैंने अभी आपको बताया प्रोग्राम में, एक आध प्रोग्राम और मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपकी हैश में लिखी ये कमेंट कहलाती, ये लाइन कमेंट कहता, इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। इसका मतलब वो ये है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होती है, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट एक्सप्लेन ए प्रोग्राम अंडरस्टेबल एंड रीडेबल, मतलब कमेंट जैसे मान लो मैंने ऊपर सम ऑफ टू नंबर नहीं लिखा और आप चेक करो तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर का। तो कमेंट, अच्छा एक और बात है, कमेंट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, हर प्रोग्राम में लगाओ, लगाओगे तो पता पड़ जाएगा। ऑल कैरेक्टर्स आफ्टर हैश एंड अप टू फिजिकल लाइन आर ए पार्ट ऑफ कमेंट, पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर्स देम। तो पाइथन में कमेंट को वो एग्जीक्यूट, और पाइथन का कोई भी किसी भी लैंग्वेज में कमेंट कभी भी कंपाइल और रन नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात। आज के लेक्चर के लिए इसे ले इतना है, आपको कुछ भी ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या व्हाट्सएप पे भी आप लिख सकते हो। कोई डाउट हो किसी तरह का प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप करोगे, और प्रैक्टिकल करोगे थोड़ा बहुत तो आपको अच्छा भी लगेगा।